रामधारी सिंह दिनकर की जयंती पर मैं भी दिन की शुरुआत दिनकर की एक कविता से शुरू करना चाहता हूं। और रामधारी सिंह दिनकर उनका जन्म बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में 23 सितंबर 1908 को सुमरिया नामक ग्राम में हुआ था। वे बड़े कवि, महान कवि और निबंधकार और लेखक थे, और वर्तमान में उनको वीर रस का महान कवि की संज्ञा दी जाती है। तो वो उनकी एक रचना बहुत प्रसिद्ध रचना है सत्य रश्मिरथी, तो रश्मिरथी का ये तृतीय सर्ग है। और ये उस समय का प्रसंग इसमें है जब पांडव अज्ञातवास पूरा करके वापस लौटे, तो श्री कृष्ण कौरवों की सभा में जाते हैं और शांति दूत बन करके जाते हैं और ये प्रस्ताव रखते हैं दुर्योधन के सामने कि तुम भले ही आधा राज्य ना दो, अगर नहीं देना चाहते हो तो, लेकिन पांडवों को केवल 5 गांव दे दो, 5 पांडव 5 गांव, वे उसी में संतुष्ट हो जाएंगे और युद्ध भी टल जाएगा। लेकिन दुर्योधन उनकी इस बात से भी इनकार करता है और उल्टा भगवान कृष्ण को बांधने के लिए अपने सेनापति को आदेश दे देता है। तो ये उस समय का प्रसंग है। तो मैं रश्मिरथि का तृतीय सर्ग आपके साथ साझा कर रहा हूँ दिनकर जी का, कि बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य न सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है। सौभाग्य न सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सन्मार्ग पर लाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, दुर्योधन को समझाने को, भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। और क्या दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुज पर चाहता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन छंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संकार झूलता है मुझ में, उद्याचल मेरा दीप्तभाल, भूबंडल वक्ष स्थल विशाल, बुझ परिधि बंद को घेरे है, मैनाक मेर उपग मेरे हैं, दीप तेजो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर, द्रग है तो दृश्य अकांड देख, मुझको सारा ब्रह्मांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, सत कोटि सूर्य सत कोटि चंद्र सर कोटि सरित सर सिंधु मंत्र, सत कोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सत कोटि विष्णु जलपति धनेश, सत कोटि रुद्र सर कोटि काल, सत कोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन पान मुझे। भूलेख अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण, मृतकों से भरी हुई भू है, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पक्के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं, जिब्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों से पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं तभी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले बांध अनंत गगन, सुने को साध ना सकता है वो, मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ने पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, टकराएंगे न सत्र निकट, बरसेगी भू पर अग्नि प्रखर, फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विष नाग बूंद से छूटेंगे, वायस श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तू भूसाई होगा,
हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर्न अघाते थे, धृष्ट राष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रबदित निर्भय दोनों पुकारते थे। जय जय।